प्रधानमंत्री मोदी को भले ही लगातार तीसरी बार देश की सत्ता की कमान मिल गई है, लेकिन 2024 के चुनाव नतीजों ने संसद की तस्वीर बदल दी। संसद के उच्च सदन में अभी तक बीजेपी और मोदी सरकार के लिए नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी संकट मोचक बनती रही है। संसद में चाहे बिल पर वोटिंग करने की बात हो या फिर किसी मुद्दे के समर्थन की, हर कदम पर अभी तक मोदी सरकार का साथ देने वाली बीजेडी अब विपक्ष के साथ खड़ी दिख रही है। बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी के भाषण का इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया, तो उसमें बीजेडी भी शामिल थी। ऐसे में बीजेडी के बदले हुए सियासी तेवर से क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी? बीजेडी के बदले हुए सियासी तेवर और मोदी सरकार के खिलाफ पार्टी की नई आक्रामकता को 2024 के चुनाव में मिली असफलता के बाद लोगों का विश्वास वापस जीतने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेडी विपक्ष की भूमिका में रहकर अपनी छवि को बेहतर बनाने में जुटी है, जिसके चलते ही इंडिया गठबंधन के साथ कदम ताल करती हुई दिख रही है। हालांकि बीजेडी सुप्रीमो और पूर्व सीएम पटनायक ने अपनी पार्टी के राज्यसभा के सांसदों के साथ बैठक कर कहा था, पार्टी ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। पटनायक ने साफ कह दिया था कि अब बीजेपी का समर्थन नहीं सिर्फ विरोध होगा, और बीजेडी सांसदों ने राज्यसभा में विपक्ष के साथ वॉकआउट कर अपने संकेत दे दिए हैं। बता दें, नवीन पटनायक की बीजेडी में आए सियासी बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्यसभा में अभी उनके 9 सदस्य हैं। बीजेपी के पास अभी भी राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत का नंबर नहीं है। ऐसे में बीजेपी को राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए सहयोगी और अन्य दलों पर भरोसा करना पड़ा है। 2014 से 2024 तक हर अहम मौके पर बीजेडी मोदी सरकार को साथ देती है, जिसके चलते कोई भी बिल पास कराना आसान हो जाता है। लेकिन अब बीजेडी के बदले हुए तेवर से उच्च सदन में बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है। ऐसे में बीजेपी को राज्यसभा में अपना नंबर बनाने के लिए तमाम छोटे और अन्य दलों को साधने की कवायद करनी होगी।